गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम सारे मात्राओं का रिवीजन करेंगे। मात्राओं से बने शब्द, चित्र, ये सब मिलाकर हम रिवीजन करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आ की मात्रा का रिवीजन किया था, जिसमें हमने कुछ खाली जगह करे थे। आज आप देख रहे होंगे हम इक की मात्रा का रिवीजन करेंगे। इक की मात्रा मतलब छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे टीचर ने काफी सारे चित्र बनाए हैं बोर्ड पर। अभी चित्र को देखकर उनके सही नाम लिखने हैं सही मात्रा लगाकर। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो पहला चित्र हमारे पास दिया हुआ है, हम इसे एरोप्लेन बोलेंगे, प्लेन या एरोप्लेन। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? विमान। हम यहाँ लिखेंगे विमान, विमान, ठीक है। और अगला चित्र क्या है? यह है पुस्तक, किताब, बुक्स, नोटबुक्स, जो भी आप बोल रहे हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे इसमें? एक चित्र आपने देखा, पहला चित्र हमने विमान किया, दूसरा चित्र हमें दिख रहा है किताब। तो हम लगाएंगे तो अभी सब छोटी की मात्रा किताब। लिखेंगे चिड़िया, जिसमें ई की मात्रा छोटी वाली लगाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कई का चित्र है, आपको एक कवर दिख रहा होगा। हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? उसको लिफाफा बोला जाता है। अब ये लिफाफा जनरली हम जानते हैं, लिफाफा कौन लाया? लिफाफा डाकिया लाया। तो हम अभी तक ये सीखते आए हैं कि लिफाफा डाकिया लाया, लेकिन बच्चों लिफाफा कोई भी काम में, किसी भी काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हमने कुछ किसी को कुछ कार्ड वगैरह देना है, तभी भी हम वो लिफाफा के अंदर डाल के देते हैं। चिट्ठी के अलावा कार्ड हो गया, हमारा कोई सामान भी हमें लग रहा है चलो ये लिफाफा में सुरक्षित रहेगा, हम सामान, कोई भी सामान भी उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर पैसे देने हैं तो कितनी बार हम करते हैं हाथ में पैसे ना देकर लिफाफा में, जैसे आपने। तो बच्चों लिफाफा जो है ये मतलब इसको एनवेलप बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये एनवेलप जो है या लिफाफा जो है, इसका काम हम अनेक चीज़ों में कर सकते हैं, और इसे ये बहुत आसान भी है, ये घर में बनाया भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें लिफाफा छोटी की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों ये जो शब्द लिखा गया है इसको भले ही आप चित्र ना बना पाओ, कोशिश कर सकते हो देखकर बनाने की, पर भले ही अगर आप ना बना पाओ, आप शब्द को एक के नीचे एक नंबर लगा के लिखिए और उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। अगला चित्र है हमारे पास पिन, जो हम पेपर वगैरह में यूज करते हैं, है ना, पिन। इवन जो दर्जी लोग होते हैं वो भी सिलाई वगैरह में भी पिन लगा के पहले रख देते हैं, फिर बाद में उसी के साथ सिलाई, उसके बाद उसको सिलाई करते हैं ताकि वो कपड़ा इधर उधर ना मिले। तो पिन का भी जो उपयोग है काफी चीजों में होता है। अगला है हमारे पास ये
काफी बच्चों ने इसको देखा भी यही होगा। आप जैसे अगर साउथ इंडिया में जाओगे, आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, घर घर में ये सितार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग गाने बजाने के खूब शौकीन होते हैं। हर घर में बच्चे लोग गाने का जो प्रैक्टिस है वो भी करते हैं और उसकी अभ्यास भी ये लोग करते हैं, जिससे उनका गला भी साफ रहता है और ये शौकीन है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल उस एरिया में ज़्यादातर सबके घर में होगा। और जो आप म्यूजिक के कोई भी रूम में जाएंगे तभी भी आपको ये सितार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया है पहिया। बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, ये है वही पहिया। पहिया सीख पाओ। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।